वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सुबह के बज रहे हैं 10:30 और मेरा नाश्ता वगैरह सब कुछ रेडी हो गया। नाश्ता क्या दें की बन गया। नाश्ते में खाने में है आज खीर पूरी सब्जी। ये रही गर्मा गर्म पूरी। दीपक खाएगा क्या? हाँ। अच्छा ठीक सेफ सर खाए कर दो। पूरी खा लो। पूरी खा लो सर। गाइस दीपक हेलो गाइस। यतीन वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। हाँ अब बोलो। हेलो गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं क्या नाश्ता कर ले पढ़ाई वाला ये देख लो। क्या है पढ़ाई वाला? ये देख लो बस गेम खेलना चाहिए तुमको। तो पढ़ाई नहीं कर सकते बिल्कुल भी। हेलो गाइस अभी खाना पीना खा के तब उठा तो चलो चलते हैं चाय वगैरह बनवाते हैं मम्मी से फिर पीते हैं। गाइस अभी टाइम हो रहा है 5:53। मम्मी ने चाय वगैरह बना के रेडी बस जरा सी हो गई। खोलना आ रहा है खोलना बाकी है। चलो चाय पियेंगे। सर्दी तो सर्दी लग रही है तो हरा हो चाहिए के अंदर घुस जाता हूँ। हेलो गाइस अभी हम पूजा करेंगे। भैया तो दूध लेने गए। मम्मी पूजा की तैयारी कर रही हैं। हेलो गाइस टाइम हो रहा है 6:30 और हमारा टाइम हो गया पूजा करने का। तो अब पहले आरती करते हैं उसके बाद में जो भी होगा करने का वो करेंगे। दीपक गया दूध लेने के लिए। आज दोनों के दोनों लड़ रहे थे पता नहीं पूजा में खड़े होने से डर लगता है दोनों को। गाइस ये मम्मी जी को देखिए पता नहीं क्या लेके बैठी है हाथ में। क्या लेके? केसर वाला पैठा। केसर दो तीन मुंह में ऊपर बस केसर है। होती ना बहुत है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 पत्तियां हैं इसमें। एक मैंने खा ली। एक तूने खा ली पत्ती? ये खा भी गया और इसमें नीचे भी पड़ी हैं। इतनी सी पत्तियों का क्या होगा? अरे पूरे में बहुत महंगा आता है केसर। आधी एक किलो तो देना चाहिए था। ये है केसर वाला पेठा। आप लोग मत खाना बस देख लेना मैं खा लूंगी। मैं तो वैसे ही जीत गया। कितने का आया था जितने? 350। सही सही बता। 250। सही सही बता। 150। 150 का 1 kg। गाइस इसके शक्ल देखिए। आहा भैया जी सुबह जाएंगे 10 o'clock 10 AM जाएंगे। हैं कौन भैया जी? सुबह जाएंगे 10 बजे की ट्रेन है 9 बजे निकलेंगे। व्हाट इज दिस? सर्दी लग रही है तुझे? मुझे तो नहीं लग रही सर्दी। तो मैं सो जा रहा हूँ। जब से मैं स्वेटर नहीं पहनी हुई केवल ये पतली सी गर्मियों में पहनने वाली है शीरा जी इसको पहनी हुई और टोपा लगा रखा है बस टोपे से मेरी सर्दी रुक रही है। गैस इसको देखना। अबे पेटे को खाने पेठा को ज्यादा घूम रहे हैं। डर लगता है मेरी चेटों से बहुत ज्यादा। और इसको देखिए कौन है तू चुपचाप से लाल पेंच मैंने करो राजमहल राजमहल जो डूब के मैं कारो पड़ेगा बेचारे जो मैंने फोटो छपे जे रंग के। ओह ओ आ सो ऐसा इसी ने पेंट किया था।
ताजमहल पर कभी चढ़ा भी है उसके ऊपर? नहीं, पांच की भी बात करते हो। तूने उसकी छोटी तो पकड़ी है ना, पांच वही तो मेरे भी तो पकड़ी है। बाबू अपनी ऐसी चोंची ना बन जाती है। तो अब सो जाता हूँ मैं, ठीक है। हे गाइस, तो इस समय हम लोग खाना खा पी के लेटे हैं। मैं दीपक आराम से, जतिन बाहर लेटा हुआ है, पंखा चला के उसको गर्मी कुछ ज़्यादा लगती है। बाहर वाला पंखा तेज चलता है। और टाइम हो रहा है इस समय 11:30। क्या है ये, क्या होती है? मुझे इसे भी नहीं कर सकता है। दीपक तो बिल्कुल भी मेरा कहना मानता ही नहीं है, पढ़ाई तो बिल्कुल करता ही नहीं है, ना ही जाती है। लेकिन उससे भी नंबर वन का दीपक है, जो कि बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं करता। अब इनकी कुछ दिनों में ही पिटाई स्टार्ट होने वाली है और ढंग से होगी। फिर मैं हाथों से नहीं मारूँगी, डंडे से मारूँगी, क्योंकि हाथों से मारती हूँ तो मेरे हाथों में लगती है। इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखो कैसे बेशरम की तरह सुन रहा है। तो गाइस, इसके साथ ही आज की ब्लॉग का हम एंड करते हैं। आई होप आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड नाइट, थैंक फॉर वॉचिंग, सो बाय।